हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अब तक आ रही होगी? आ रही है मेरी आवाज़? वी आर लाइव, दिखाई दे रहा हूँ मैं, सुनाई भी दे रहा हूँ. ओके ओके, सब कुछ ओके है? खालिद इज सेइंग सर इवनिंग में सेशन रखो. बिल्कुल रखेंगे खालिद, तुम्हारी क्लास है अभी इस समय, इवनिंग में सेशन बिल्कुल रखेंगे. अंकित इज सेइंग यस सर यू आर ऑडिबल. ओके 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 ओके. कबीर इज सेइंग हाय. ओके, वेरी नाइस. तो मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ अच्छे से. ऐसा फीडबैक मुझे मिल गया. गुड मॉर्निंग काजल इज सेइंग गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग. आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से आ जाओ. कैसे हैं आपके हालचाल, क्या हालचाल हैं? केम छो, कैसा चल रहा है नीट की तैयारी? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलेबस खत्म होने के कगार पर ही होना चाहिए आपका, या तो बहुत सारे लोगों का हो भी गया होगा खत्म, या खत्म होने के कगार पर होगा, है ना? सो दैट आपको काफ़ी सारा समय रिवीजन के लिए प्रॉपर मिल सके. तो कोशिश करो कि इस महीने के एंड तक, या एटलीस्ट जो नेक्स्ट मंथ है, उस नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक सारा का सारा जो सिलेबस है उसको वाइंड अप कर लो, है ना? सो दैट आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ मिल जाए प्रॉपर रिवीजन करने का, बार बार टेस्ट लिखने का, और क्यूमुलेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस को करने का. अभी तो हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस करने का वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मार्क्स, है ना? तो उसकी एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होनी बड़ी ज़रूरी है भाई. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग उस तरफ चलेंगे और बढ़ेंगे, ठीक है? सब वेल एंड गुड है, सब बढ़िया, चलें बढ़ जाएं आगे, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए जो, तो आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी, दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी. मॉडर्न फिजिक्स के हिस्से हैं ऑब्वियसली, आप बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, और ये एक ऐसे एरियाज हैं जिन पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं. हम आज देखने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में नीट में पूछे गए हैं, और कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को हमें कम से कम समय में खत्म कर लेना है, कम से कम समय में ओवरकम कर लेना है, हम वो आज इस सेशन में सब सीखने वाले हैं. तो पहले मैं आपको एक एक्सटेंसिव रिवीजन कराऊंगा दोनों ही चीज़ों का, न्यूक्लियर फिजिक्स का और रेडियोएक्टिविटी का, और फिर दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में आए हैं नीट में, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, हम उन एक्चुअल क्वेश्चंस को क्लास में फटाफट फटाफट एग्जाम मोड में जल्दी 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 सॉल्व करेंगे. तो आप मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहें. शुरुआती हिस्से में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं मेन मेन जो एरियाज हैं, जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें याद रहनी चाहिए बातें, उन पर डिस्कस करूंगा मैं पहले, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है जी? तो बने रहें, और भी अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको फटाफट फटाफट से आप मैसेज कर दें कि भैया क्लास शुरू हो गई है, सब बच्चे क्लास में जल्दी जल्दी से आ जाएं. राइट, जल्दी 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 से सब बच्चे आ जाएं, सो दैट हम क्लास को प्रॉपर तरीके से चला पाएं. और ये एक्सरसाइज नेशनल लेवल पर की जा रही है ईटूस की तरफ से, सो दैट हम एक हेल्पिंग हैंड उन बच्चों तक पहुंचा सकें जो बच्चे रैंक लाना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे चाहते हैं, है ना, कि उनका अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो, तो उन तक हमारा एक प्रयास है, सो दैट आपको मदद पहुँचा सकें और आप तक चीज़ों को ले जा सकें, ठीक है जी? तो बढ़ जाए आगे. तो मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स से. तो न्यूक्लियर फिजिक्स ऑब्वियसली न्यूक्लियस की बात हो रही है. हम अच्छे से समझते हैं कि अगर हम एटम पर चलें तो न्यूक्लियस है जो बहुत ही छोटा पॉइंट जैसा है, है ना भी, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट? तो जो न्यूक्लियर रेडियस है, जो न्यूक्लियस का साइज है, अगर उसकी बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं वो फर्मी मीटर के लेवल का होता है ना भी. अच्छा जी, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट? हैंस किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है एक्स, तो उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जेड एक्स ए. यहाँ जेड क्या है? यहाँ जेड है एटॉमिक नंबर, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए क्या है? ए है मास नंबर, दैट मीन्स काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? तो ए जो कि मास नंबर है, ए जो कि है मास नंबर, इट इज बेसिकली काउंटिंग ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जेड जो कि है, ये मास नंबर है ए, है ना भी, और जेड जो कि क्या है, जो कि है एटॉमिक नंबर, आप जानते हैं अच्छे से एटॉमिक नंबर, दैट इज बेसिकली काउंटिंग ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक. न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस को हम एक परफेक्ट स्फेयर की तरह इमेजिन करते हैं अपने मन में, और न्यूक्लियस का जो साइज है, उस न्यूक्लियस के साइज को, दैट मीन्स न्यूक्लियस का जो रेडियस है, उस रेडियस को बताने वाला एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, आर इज इक्वल टू आर नॉट इन टू ए टू द पावर 1/3.
तो छोटे मोटे क्वेश्चन शुरुआत में इसी चीज पर बन जाते हैं, हैंस ये वो पहला एक्सप्रेशन है, पहला फॉर्मूला है जिस पर छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कंपैरिजन वाले, कि मैंने एक आपको एलिमेंट दे दिया, उस एलिमेंट का न्यूक्लियस अगर रेडियस अगर ये है तो दूसरा एलिमेंट जिसका मास नंबर ये है उसका रेडियस क्या होगा, तो क्या हम सीधे सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिवीजन में, दो बार इस एक्सप्रेशन को लिख के डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी, है ना भी। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि होती है। पुनीत सिंह, हेलो सर, आई हैव स्टडीड 90% फिजिक्स वंस एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू फोकस ऑन हाई वेटेज लाइक मॉडर्न एंड थर्मल एंड वाइंड अप ऑल हाई वेटेज बाय 30th of April, इज दिस राइट? दिस इज वेरी राइट, बहुत अच्छा तुम सोच रहे हो और ऐसा ही करना चाहिए। एक बार आपको पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाए तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ही देखना चाहिए, और उसकी सबसे अच्छी जगह क्या है, PYQs। मैं हमेशा PYQs पर स्ट्रेस करता हूँ और नीट के बच्चों के लिए तो खासकर PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप समझ पाएं कि किस एरिया से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? तो ये पहली चीज है जो कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में समझनी है, R = r0 × a^1/3, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि जब हम न्यूक्लियस पर सोचते हैं, न्यूक्लियस के बारे में सोचते हैं, तो हमको एक मजेदार क्वेश्चन मन में उठना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस, अच्छा इसमें जो r0 की वैल्यू है वो कुछ 1.1 फर्मी मीटर के आसपास होती है, 1.1 फर्मी मीटर, और एक फर्मी मीटर में कितने मीटर्स होते हैं, एक फर्मी मीटर में होते हैं 10^-15 meters, राइट? दैट मीन्स न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। अब इतने छोटे न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो क्या वो प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो वो क्या चीज है जो कि न्यूक्लियस को बांध के रखती है, वो क्या चीज है जो न्यूक्लियस को फटने नहीं देती है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्टेबल न्यूक्लियस दिखते हैं, है ना भाई? यूरेनियम वगैरह से पहले तो सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस स्टेबल है पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या चीज है जो न्यूक्लियस को बांधती है? तो वो जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जीज दूसरा कंसेप्ट है जो समझने जैसा है, न्यूक्लियर एनर्जीज। तो न्यूक्लियर एनर्जीज कहां से आ रही हैं और क्या है, तो दूसरी जो चीज समझने की वो ये है न्यूक्लियर एनर्जीज, राइट? तो अगर हम किसी भी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो मास है और उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स का मास है, दैट मींस प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है उनका जो मास है, तो एक बहुत ही मजेदार चीज है जो सभी न्यूक्लियस में कॉमन है, और वो ये है कि न्यूक्लियस का मास हमेशा ही छोटा है। दैट मींस देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, है ना भाई? मास डिफेक्ट जिसको डेल्टा एम के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल्टा एम जो कि है बेसिकली मास डिफेक्ट, दिस मास डिफेक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस एंड द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं इस एलिमेंट की अगर बात कर रहा हूं, जेड एक्स से इस एलिमेंट की अगर बात कर रहा हूं, और अगर प्रोटोन का मास है एम पी और न्यूट्रॉन का मास है एम एन, है ना भाई? तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, Z टाइम्स ऑफ MP, दिस वुड बी द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, Z प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, A माइनस Z, तो न्यूट्रॉन्स हैं A माइनस Z, तो A माइनस Z MN, ये हो जाएगा MN, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कंबाइंड मास, है ना भाई? तो ये हो गया न्यूक्लियस जिनसे मिलकर बना है उनका मास। इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसको मैं सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से लिख रहा हूं एक्स जेड ए एम, ये एक्स जेड ए एम जो मैंने लिखा हुआ है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस का मास। तो हमने जो मैंने अभी कहा, हमने हमेशा पाया कि न्यूक्लियस का मास छोटा है न्यूक्लियॉन्स के मास से, और वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आइंस्टीन की डेल्टा एम सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर इक्वेशन से कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जीज, दोज एनर्जीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जीज जो न्यूक्लियस को बांधती हैं, उसको यहां हम एक दूसरे नाम से बुला रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो हर न्यूक्लियस को बांधने वाली जो एनर्जी है, हर न्यूक्लियस को बांध के जो एनर्जी रखती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज बेसिकली द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, राइट? तो पहली दूसरी चीज तो मैंने आपको बताई रेडियस वाली, दूसरी चीज जो वो आपसे पूछ सकता है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, उसके लिए वो आपको डेटा देगा सो दैट आप मास डिफेक्ट निकाल सकें। अच्छा जी, यहां जो मास कैलकुलेशंस होंगे वो एक नए यूनिट में होंगे जिनको हम एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं, है ना भाई? तो यहां सारी की सारी मास कैलकुलेशंस AMU यूनिट में होने वाली हैं। अनुभव इज सेइंग, सर नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने से फायदा होगा क्या? बेटा नीट में आप ऐसा मान सकते हैं कि करीब करीब 80% क्वेश्चंस तो सीधे ही फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं, हेंस फॉर्मुलेज याद करने से और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने से विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन एरर आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है और आपको करना भी चाहिए, है ना भाई। केवल थोड़े से ही 10-12% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से हटकर होते हैं, बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सिंपल होते हैं काफ़ी और सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दूसरी जो चीज़ है निकालने की वो है डेल्टा एम सी स्क्वायर बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ जो मासेज हैं जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और बाइंडिंग एनर्जी, जो मासेज हैं उनको एक नई यूनिट में लिखा जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट AMU। AMU का क्या डेफिनेशन है, 1 AMU मास क्या है, तो आपने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप अच्छे से जानते भी होंगे कि 1 AMU मास बेसिकली 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है, 6C12 जो कार्बन 12 एटम है उसके मास का 1/12 इज 1 AMU। ये सारी कैलकुलेशंस एटॉमिक मास यूनिट में की जाती हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं एक काम करूं कि 1 AMU को अगर मैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो कितनी एनर्जी आएगी, अगर मैं ये निकाल लूं जो कि ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, आप सब अच्छे से जानते भी हैं कि 1 AMU एनर्जी का, 1 AMU मास का एनर्जी इक्विवेलेंट जो है वो है 931.5 MeV। ये सबको याद होता है डेटा, 931.5 MeV। तो भाई हमने मास डिफेक्ट निकाला, मान लेते हैं मास डिफेक्ट आया 0.7 AMU, मान लेते हैं सारी एक्सरसाइज करी मैंने और मास डिफेक्ट मुझे मिला 0.7 AMU, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 0.7 × 931.5 MeV। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब होता है 10^6, तो 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना मैं लिखेंगे। अगर आप इसको जूल में बदलना चाहते हैं, 931.5 MeV को अगर आप जूल में बदलना चाहते हैं तो यहां m की वैल्यू रखनी पड़ेगी 10^6 और यहां e की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये बन जाएगा 9th, जरूरत नहीं है वैसे पर मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, × 10^6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, अगर जूल में बदलना है तो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सभी MeVs में बात होती है। तो दूसरी जो चीज है समझने की वो है बाइंडिंग एनर्जी। तीसरी जो चीज है समझने की वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर मुझे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है, अगर मुझे कंपेयर करना है कि ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस में कौन कम स्टेबल है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। तो आपने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली है इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट मीन्स कितने न्यूक्लियॉन्स को इसने बांध रखा था, ए न्यूक्लियॉन्स को बांध रखा था। तो तीसरी जो चीज है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से किस चीज का पता चलता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का पता चलता है। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा, हम कहेंगे कि न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल, जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा उतना न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल। तो अब मैं अगर एक काम करूं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक जितने मेरे पास एलिमेंट है, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का अगर मैं वैल्यूज निकालकर अगर एक ग्राफ जैसा कुछ बनाने की कोशिश करूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इधर मैं प्लॉट करूं मास नंबर, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो अप्रोक्सीमेटली दैट मींस रफली इस ग्राफ का जो बिहेवियर है वो रफली कुछ इस प्रकार का आता है कि शुरू में बढ़ता है बाद में गिरता है, कुछ ऐसा रफली। मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूं, एक ट्रेंड समझाने के लिए। और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो कुछ 8.8 के आसपास आती है, 8.85 या 8.8 के आसपास आती है ना भाई, जो मास नंबर 56 जो कि निकेल आयरन के आसपास के लोग हैं, मास नंबर 56 के आसपास आती है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इस ग्राफ को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस ग्राफ की मदद से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस कर सकते हैं, जरा बात को समझना। केमिस्ट्री में हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, अगर ऐसा ना हो तो रिएक्शन होएगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से इधर न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस केवल और केवल तब होंगे जब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो, उनका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो, और न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ज्यादा होना। दैट मींस इनिशियली जो एलिमेंट्स हैं, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जिनको लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं, वो लाइटर एलिमेंट्स ऊपर चढ़ना चाहेंगे, दैट मींस लाइटर एलिमेंट फ्यूज करके इस लैडर में ऊपर जाना चाहेंगे सो दैट उनका जो प्रोडक्ट बने उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा हो। दैट मींस लाइटर एलिमेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा सकते हैं, ये एलिमेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा सकते हैं वो है फ्यूजन रिएक्शंस। तो ये फ्यूजन रिएक्शंस एग्जिबिट कर सकते हैं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये फ्यूजन रिएक्शंस दिखा सकते हैं। और 56 के आगे के जो लोग हैं वो डिसइंटीग्रेट होके फिजन करके पीछे की तरफ जाना चाहेंगे, दैट मींस लेस एटॉमिक लेस मास नंबर के एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाहेंगे, तो फिजन रिएक्शंस। तो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन और फिजन,
समझ गए क्या मेरी बात? तो जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फिजन, अगर अगर उनको मौका मिले तो वो फिजन करेंगे, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं अगर उनकी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाए तो वो लाइटर एलिमेंट्स किस तरह का रिएक्शन शो करेंगे, किस तरह का रिएक्शन दिखाएंगे? फ्यूजन रिएक्शंस दिखाएंगे। क्या हम बात को समझ पा रहे हैं? ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन है। तो फ्यूजन रिएक्शंस और फिजन रिएक्शंस, दो तरह के रिएक्शंस यहां पर हमको दिख रहे हैं। और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। आपको समझ में आना चाहिए उसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के बनेंगे जो आपको बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियॉन का डेटा देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि ये रिएक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसका लॉजिक है वो क्या है? वो लॉजिक ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिएक्टेंट से ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट जो बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिएक्टेंट से ज्यादा होना चाहिए। मैं न्यूक्लियर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं या आपके सामने रख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ZXA, और मान लेते हैं ये एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2HE4, जानते हैं सब लोग, हीलियम का न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है 2HE4, लेट अस इमेजिन, प्लस एक्स एलिमेंट बदल के वाई एलिमेंट बन गया। तो जैसे केमिस्ट्री में वैलेंसी वगैरह को बैलेंस करते हैं, ऐसे यहां भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की काउंटिंग है उनको भी बैलेंस करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की जो काउंटिंग है उनको भी बैलेंस करेंगे। हेंस ये जो वाई एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा A-4YZ-2, प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होगी जिसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है जी। तो अगली जो चीज समझने की है वो है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या होती है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या होती है। तो नेक्स्ट चीज जो समझने की है वो है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू क्या है? क्यू वैल्यू इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, क्यू वैल्यू को निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, देयर आर टू वेज जिससे हम क्यू वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तरीका नंबर वन, अगर मुझे रिएक्टेंट का मास पता है और प्रोडक्ट का मास पता है, दैट मींस मुझे इसका मास पता है, इसका मास पता है, इसका मास पता है, मुझे सबके मास पता है ना भाई। तो जो क्यू वैल्यू होगी, क्यू वैल्यू जो होगी, दैट क्यू वैल्यू वुड बी, या क्यू वैल्यू को लिखा जा सकता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय C2, दैट इज द क्यू वैल्यू, है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू C2, दैट इज द क्यू वैल्यू। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है अगर, तो ये हुआ कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा था। यहां अगेन फिर एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं होता है। अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तो क्या फंडामेंटली इस रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तो क्या हुआ है? फंडामेंटली मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, इस वजह से क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो क्या मैं सेपरेटली ऐसा कह सकता हूं कि इफ क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा है तो क्या इस रिएक्शन में मास एनर्जी कन्वर्जन हुआ है? मास हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इंटू एनर्जी, मास हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इंटू, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हुआ है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हुआ है, है ना भाई। और ऐसा रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो अगर ये कन्वर्जन हुआ है तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस से मेरा क्या मतलब है? अपने से हो जाने वाला। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मतलब है अपने से हो जाने वाला। तो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने से हो जाएगा। ऐसा कब होगा बोलो फटाफट, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब क्यू वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा जी, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए किसी रिएक्शन में, है ना, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, रिएक्टेंट का मास कम है, है ना। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, रिएक्टेंट का मास कम है। और ऐसी रिएक्शन में बेसिकली एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है, hence such reactions would be non-spontaneous reactions, that means वो अपने से नहीं हो पाएंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो कैटेगरी के हो सकते हैं, कैटेगरी नंबर वन एंड कैटेगरी नंबर टू। कैटेगरी नंबर वन जिसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, ये कैसे रिएक्शंस है? स्पॉन्टेनियस, ये अपने से हो जाएंगे, या कंडीशंस फुलफिल करी तो अपने से हो जाएंगे। कैटेगरी नंबर टू जिनका क्यू वैल्यू लेस देन जीरो है, क्यू वैल्यू नेगेटिव है, है ना भाई, ये वो रिएक्शंस होंगे जिन रिएक्शंस में एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी किसमें? मास में। और ये रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएंगे।
तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी कर सकता है कि क्यू वैल्यू का डेटा देके ये पूछ ले कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन पॉसिबल हो सकता है, कौन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जिन रिएक्शंस में क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो पॉसिबल हो सकते हैं, जिनमें क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी वो रिएक्शंस अपने से नहीं होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर समअप करूं, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में वैलेंस करते हैं ऐसे यहां भी वैलेंस करते हैं, किन किन को? प्रोटॉन की काउंटिंग्स को और न्यूक्लियॉन्स की काउंटिंग को। ठीक, अच्छा जी, केमिस्ट्री और न्यूक्लियर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस में अंतर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्व नहीं रहता है, केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व रहता है, हेंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के जो मासेस हैं वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा है प्रोडक्ट के मास से तो बेसिकली मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई, और अगर प्रोडक्ट का मास ज्यादा है तो क्यू वैल्यू नेगेटिव आई और एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई। ये क्यू वैल्यू निकालने का एक तरीका है, ये क्यू वैल्यू निकालने का एक तरीका है, तरीका नंबर वन, ये क्यू वैल्यू निकालने का एक तरीका है। क्या बात समझ पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं? दैट इज वन वे ऑफ फाइंडिंग क्यू वैल्यू। ठीक, दूसरा जो तरीका है क्यू वैल्यू को निकालने का वो है बाइंडिंग एनर्जीज की मदद से। मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने आपको मास का डेटा ही नहीं दिया, पर क्वेश्चन ये बता रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की इतनी है, बाइंडिंग एनर्जी एक्स की इतनी है, बाइंडिंग एनर्जी वाई की इतनी है। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्यू वैल्यू होगी इस रिएक्शन की। तो जो सेकेंड मेथड है क्यू वैल्यू निकालने का, तरीका नंबर टू, दैट इज यूजिंग बाइंडिंग एनर्जीज, है ना भाई। हेंस क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान से सुनना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट बने हैं सबकी बाइंडिंग एनर्जी, और जितने रिएक्टेंट हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। जबकि पहले वाले मेथड में जब अपन ने मास की मदद से किया तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, पर जब बाइंडिंग एनर्जी की मदद से किया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अनुभव, काजल, अंकित सिंह, क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको उसका जवाब दे दूंगा यहां से, है ना भाई, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको सारा खेल, सारी कहानियां समझ में आ रही हैं। अब इसी न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स पैदा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, राइट, जिस पर केवल कंसेप्चुअल चीजें आपसे पूछी जाती हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, दैट मीन्स ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज्ड होता है, दैट मीन्स फर्मीमीटर से ज्यादा अगर गैप हुआ पार्टिकल्स के बीच में तो न्यूक्लियर फोर्स तुरंत जीरो हो जाता है। तो दिस न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज्ड, तो दिस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज्ड, तो दिस इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। ठीक है जी, और किन्हीं दो न्यूक्लियॉन्स के बीच ये फोर्स काम करता है। ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है, दैट मीन्स अगर लाइक स्पिन है तो ये फोर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड का है, और अगर अनलाइक स्पिन है तो ये फोर्स रिलेटिवली लेसर मैग्नीट्यूड का है। ठीक है जी, ऐसा है, और ये नेचर का फंडामेंटल फोर्स है। हम जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स नेचर का फंडामेंटल फोर्स है, यहां तक हमें कहानी समझ में आती है। ठीक है जी, अब अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देखें, डिफरेंट लोगों को देखें, तो हमको एक बात समझ में आएगी कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस स्टेबल हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं। जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं जो अनस्टेबल हैं, जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ डिसइंटीग्रेशंस, कुछ रिएक्शंस करता है, जिनको हम डीकेज बोलते हैं, है ना भाई। हेंस अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो वो डीके करता है, तो न्यूक्लियर डीकेज, अगली जो चीज समझने की है दैट इज न्यूक्लियर डीकेज। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या क्या कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी? तो हमारे जो सिलेबस में है वो तीन तरह के न्यूक्लियर डीकेज हैं जो हमारे सिलेबस में है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो तीन तरह के डीके हैं जो हमारे सिलेबस में है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके का बेसिकली मतलब होता है एक अल्फा पार्टिकल, मतलब एक हीलियम के न्यूक्लियस का निकल जाना। अभी मैंने जो रिएक्शन लिखा था, ये जो बोर्ड पर रिएक्शन लिखा है, ये अल्फा डीके का ही रिएक्शन है। तो अल्फा डीके का क्या मतलब है? अल्फा डीके का मतलब है अल्फा पार्टिकल का पैदा होना, अल्फा पार्टिकल का रिलीज होना, अल्फा पार्टिकल का निकलना। तो अल्फा डीके जब भी होगा, जैसे आप यहां देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो दो से रिड्यूस हो जाएगा और जो मास नंबर है वो चार से रिड्यूस हो जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर दो से रिड्यूस हो जाएगा, मास नंबर चार से रिड्यूस हो जाएगा, सही बात है। तो ये जो पहले तरह का रिएक्शन है अल्फा डीके, इस अल्फा डीके में मैं अगर इसको फिर से लिख दूं यहां पर, तो जेड एक्स ए और ये अल्फा डीके किया 2He4 प्लस, मान लेते हैं Y बन गया Z-2 A-4 प्लस Q वैल्यू। तो
तो अपन समझ रहे हैं मास नंबर 4 से गिरा और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से गिरा। बीटा डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, बीटा डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। हेंस अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इस एलिमेंट से या इस न्यूक्लियस से, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है -1e0, इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन है -1e0, ठीक है जी। तो जो डॉटर बना, जो प्रोडक्ट बना वाई, उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, उसका कन्फिग्रेशन होगा Z+1 और Z+1a+q वैल्यू। सही बात है, इसमें एक पार्टिकल और निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक। हेंस जब कोई बीटा डीके करेगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे जो आपसे पूछेंगे कितने अल्फा डीके हुए कितने बीटा डीके हुए, तो अपन समझ सकते हैं, है ना भी, कितने अल्फा डीके हुए वो मास नंबर में कितना चेंज आया उसकी मदद से पता चलेगा, क्योंकि बीटा डीके में तो मास नंबर में कोई चेंज आता नहीं है। तीसरा जो डीके है गामा डीके, गामा डीके तब होता है जब कोई अल्फा डीके और बीटा डीके हो जाने के बाद जो डॉटर बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है इधर, ये प्रोडक्ट एक्साइटेड स्टेट में बनता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जो प्रोडक्ट है, दैट मींस इसके जो न्यूक्लियंस हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट में, जब ये ऊपर से कूदते हैं नीचे, दैट मींस हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब जंप करते हैं, तो डी एक्साइटेशन जब होता है न्यूक्लियस का, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, डी एक्साइटेशन किसका, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस, तो डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस से गामा डीके होता है, है ना भाई। हेंस गामा डीके जब होगा तो ना तो मास नंबर में कोई चेंज आएगा ना ही एटॉमिक नंबर में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की मेन मेन बातें हैं। अगर आपको इतनी बातें भी समझ में आ जाती हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स का जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूं टुवर्ड्स रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी से क्या मतलब है, रेडियो एक्टिविटी से मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ऐसे न्यूक्लियस की जो अनस्टेबल है, है ना, अनस्टेबल है, और वो स्टेबिलिटी लाने के लिए डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अल्फा मोड से डिसइंटीग्रेट कर सकता है, बीटा मोड से डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि जब भी अल्फा डीके हो रहा है या बीटा डीके हो रहा है एक गामा फोटोन निकल रहा है। हेंस अगर मैं ये गिन लूं कि कितने गामा फोटोन्स पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं तो वो उस सैंपल की एक्टिविटी कहलाएगी। तो पहला जो शब्द है दैट इज एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज बेसिकली किस रेट से न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं और किस रेट से गामा फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो एक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियस, मान लेते हैं कि अगर कोई सैंपल है, ये कोई सैंपल है और इसमें इस समय n अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, कितने अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं n, तो अगर इसमें n अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं तो इसकी जो एक्टिविटी होगी दैट मीन्स कितने गामा फोटॉन्स पर यूनिट टाइम ये सैंपल से निकल रहे होंगे, है ना, तो जितने गामा फोटोन पर यूनिट टाइम निकल रहे होंगे उसी रेट से स्टेबल न्यूक्लियस घट रहे होंगे। हेंस एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज -dN/dt, जिसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक्टिविटी किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल की, ठीक है जी। फिर है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी हमसे ये कहती है, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है, कि किसी भी सैंपल की जो एक्टिविटी होगी दैट वुड बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस जो सैंपल में होंगे। हेंस किसी भी मोमेंट पर किसी भी सैंपल की जो एक्टिविटी है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस जो सैंपल में है, राइट। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटा दूं तो एक डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लेमडा आ जाएगा। हेंस माइनस का dN/dt is equal to lambda times of n, ये एक फंडामेंटल लॉ बन जाएगी। -dN/dt is equal to lambda times of n, ये एक फंडामेंटल लॉ बन जाएगी। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं सो दैट मैं n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देख सकूं, तो n को इधर किसका लें, टाइम को उधर किसका लें, तो आपको दिखाई देगा dN/n is equal to -lambda dt, इंटीग्रेट, ठीक है। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर, मान लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन तो किसी t टाइम पर है और t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस जो थे उनकी काउंटिंग थी n0। तो t इक्वल टू 0 पर कितने अनस्टेबल न्यूक्लियस थे, n0, और t इक्वल टू t टाइम पर कितने अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, n। तो इंटीग्रेशन में टाइम को मैं ले जाऊं 0 से t और इसको मैं ले जाऊं n0 से n, तो dN/n का इंटीग्रेशन ln n/l0 आ जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो ln n/n0 इज इक्वल टू, उधर में क्या दिखेगा मुझे, -lambda t, उधर में दिखेगा -lambda t, है ना भी। अब मैं इसको e की पावर में अगर उठा दूं तो अब मेरे पास वो लॉ आ जाएगा जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n0e-lambda t। केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से,
एन इज इक्वल एन नॉट इन टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, है ना, एन इज इक्वल एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, राइट। हेंस अगर मैं ग्राफ खींचने की कोशिश करूं कि नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस का समय के साथ जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इस तरह से चलेगा। एन वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो एन वर्सेस टी का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक। हेंस एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज एन एक्सप्रेशन जिसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसमें छोटी सी एक दिक्कत है कि इसमें ई की पावर आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक शब्द डिफाइन करना पड़ेगा, हाफ लाइफ, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो समय है जिस समय में नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस की काउंटिंग ठीक आधी हो जाती है। What is half-life? Half-life is the time जिसमें number of unstable nucleus की जो counting है वो ठीक आधी हो जाती है। क्या है रंजन is saying, sir, you are best क्योंकि आप सभी बातों को क्योंकि आप सीधी बात करते हो, नो बकवास करते हो। थैंक यू वेरी मच, टाइम बहुत कीमती है यार, तुम्हारा भी और मेरा भी, है ना भी। तो एटलीस्ट इस समय एग्जाम के वर्ज पर हैं हम, तो ऑब्वियसली सीधी बात करनी होगी। और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी लोग इस सेशन को देखें या आगे भी इस सेशन को देखें और समझें, तो कम समय में जो मेन मेन बातें हैं वो उन तक पहुंच जाएं, सो दैट उनसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, है ना भी। नीट के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो, ठीक, बाकी तो फिर सब बातें बातें ही हैं। अच्छा जी, तो हमको समझना होगा हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ की क्या कहानी है। तो टी हाफ, हाफ लाइफ वो समय है जिसमें कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। तो मैं यहां पर एन को एन नॉट बाई टू कर दूं और यहां टी को सीधे सीधे अगर मैं टी हाफ कर दूं, तो देखो यही रिलेशनशिप से है, मैं टी हाफ की डेफिनेशन उठा लूंगा। यहां मैंने एन को कर दिया एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट इन टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा इन टू टी हाफ, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। n नॉट कैंसिल किया, यहाँ 1 बाई टू आया। अब अगर दोनों तरफ अगर अपन लॉग ले लें तो t हाफ, हाफ लाइफ t हाफ को हम लिख सकते हैं कितना, log 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। तो t हाफ को हम लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। और अब t हाफ की मदद से इसी एक्सप्रेशन को हम एक और दूसरे बहुत यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर t बाय t हाफ। इसको दूसरे फॉर्मेट में बदल सकते हैं, n is equal to n naught into n naught divided by 2 की पावर t by t half। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल पावर्स नहीं आ रही हैं और बहुत आराम से बहुत इजीली हम बता सकते हैं किसी t टाइम पर क्या कंसंट्रेशन होगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जनरली जो टाइम मिलता है वो t half के मल्टीपल्स में मिलता है, तो ये इक्वेशन और भी ज्यादा यूजफुल और मजेदार हो जाती है। क्या हम यहां तक चीजों को देख पा रहे हैं और पचा पा रहे हैं? ठीक है भाई, ऐसा है। तो मेन मेन जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, रेडियोएक्टिविटी की और न्यूक्लियर फिजिक्स की। ऑब्वियसली मैंने सब कुछ टच नहीं किया है, मैं केवल पिक एंड चूज कर रहा हूं, मैं केवल उन चीजों पर बात कर रहा हूं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अब वो समय आ गया है जब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। तो अब मैं आपके सामने एक एक करके पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चंस को रखूंगा, आप फटाफट से उनको पढ़िए और मेरे साथ साथ उनको सॉल्व करिए। तो 2021 दैट मींस ताजा ताजा एकदम गरम क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, हमसे ऐसा कह रहा है कि भाई एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन हो रहा है, एक्स एलिमेंट बी में बदल रहा है, फिर बी सी में बदल रहा है, सी डी में बदल रहा है। तो आपको बता देना है कि जब एक्स बी में बदला तो ये किस तरह का डीके था, अल्फा डीके था, बीटा नेगेटिव डीके था, बीटा पॉजिटिव डीके था। बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव में क्या अंतर है? बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है, है ना, बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है। तो देखो जेड जेड माइनस वन में कन्वर्ट हुआ, है ना भाई, तो जो रिएक्शन आया वो एक्चुअली ऐसा आया है, जेड एक्स ए हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू जेड माइनस वन बी प्लस, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, तो क्या प्लस वन ई जीरो से बैलेंस होगा, क्या चीज निकली, पॉजिट्रॉन निकला। ये पॉजिट्रॉन क्या चीज है, बीटा प्लस, ये पॉजिट्रॉन बीटा प्लस है, हेंस पहला ही एमिशन बीटा प्लस का है, तो आंसर इतने से ही ये हो गया, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है कि पहला अल्फा, ये कह रहा है पहला अल्फा, ये कह रहा है पहला बीटा नेगेटिव और ये कह रहा है बीटा पॉजिटिव, पहला ही पार्टिकल कौन निकला है, बीटा पॉजिटिव निकला है। हेंस हमारा जो राइट आंसर है क्या, वो राइट आंसर सी है, छूटते ही राइट आंसर सी है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आगे बढ़ने की और आगे देखने की भी कोई भी जरा सी भी आवश्यकता नहीं है, राइट। देखें जरा किसी ने राइट आंसर दिया था क्या, रंजन ने आंसर दिया है सी, बहुत बढ़िया, इसी तरह से बने रहें और साथ के साथ में आगे चलते रहें। अगला प्रश्न 2021 फटाफट से करके बताओ जरा। अगला क्वेश्चन फिर 2021, दैट मींस दो क्वेश्चन आपको 21 से दिख रहे हैं इस जरा से एरिया से, देख रहे हो पावर, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स
the fraction of original activity that will remain after 150 hours would be equal to fraction of original activity that will remain after 150 hours. That means original जो activity थी उसका कितना fraction अभी हो गया होगा. Activity मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि जो activity है as per the law of radioactivity that activity can be written as lambda times of n. है ना, तो शुरुआती अगर number of active nucleus n naught थे और activity a naught थी तो a naught was equal to lambda into n naught. ये कहाँ था शुरू में. किसी t time पर बात करें तो क्या किसी t time पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक्टिव न्यूक्लियस बचे हैं क्या वो ये लिखे जाते हैं किसी टी टाइम पर. हैंस किसी टी टाइम पर अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो क्या एक्टिविटी को इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. हैंस क्या मैं कह सकता हूं किसी भी टी टाइम पर एक्टिविटी को आई कैन राइट एज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, किसी भी टी टाइम पर एक्टिविटी इज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी. इतना ही नहीं, इस रिलेशनशिप को वो 2 की पावर वाले रिलेशनशिप में भी अगर मैं कन्वर्ट करूं तो फिर यही रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा a इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर t बाय t हाफ. ये क्वेश्चन सीधे इस पर बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है. t कितना दिया है उसने 150 आवर्स और t हाफ कितना दिया था 100 आवर्स. क्या मैं दोनों की वैल्यू यहां रख दूं. हेंस जो एक्टिविटी बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू ओरिजिनल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 की पावर 150 डिवाइडेड बाय 100. तो 2 की पावर 150 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे ही बनेगा. कैंसिल आउट करें, देखें क्या बचा. तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. हेंस कितना आ गया a नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 बाय 2. हेंस a इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 की पावर 1/2. ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं. हेंस 2 की पावर 3 की पावर 1/2 अगर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं तो क्या ये 2√2 बन जाएगा और क्या मेरा आंसर आ जाएगा बी, है ना. सो दिस इज बेसिकली a नॉट डिवाइडेड बाय कितना 2√2. सो दिस इज बेसिकली a नॉट डिवाइडेड बाय 2√2. क्या हम बात को समझे. देखें आंसर दिया है क्या किसी ने. बी आंसर दिया है भैया, बिल्कुल सही दे रहे हो भाई. आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो रंजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो. कुमार इज सेइंग यस सर, बहुत बढ़िया. ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ जाएं. अगला प्रश्न अगेन 2020, फटाफट से देखो और सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर, बताओ जल्दी से. 2020 का अगला प्रश्न ये रहा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10^-20 जूल. ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड. This value in EV is nearly. Basically क्या करना है, अपने को जूल को EV में बदलना है. कैसे बदलेंगे जूल को EV में, कैसे बदलेंगे EV को जूल में, कैसे बदला था EV को जूल में, बदला था E की वैल्यू रख के. तो अब अगर जूल को EV में बदलना है तो क्या इसको E से डिवाइड कर दूं मैं, है ना. तो 10^-20 डिवाइडेड बाय 1.6×10^-19 EV. क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 10^-20 जूल इज इक्वल टू 10^-20 डिवाइडेड बाय 1.6×10^-19 ई वी. ठीक है जी, अब जरा पावर पावर खेलें तो ये -20 है -19, तो पावर रही -1 और 1/1.6. तो 1/1.6×10^-1, है ना, 1/1.6×10^-1. 1/1.6 की वैल्यू पॉइंट समथिंग आएगी और एक डेसिमल, एक पावर माइनस वन पहले से ही है. जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद दो प्लेस का होगा. डेसिमल के बाद दो प्लेस का केवल एक आंसर है सी, राइट आंसर आ गया सी. दैट मीन्स एक्चुअल डिवीजन 1/1.6 करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. क्या आप मेरी बात समझे, राइट आंसर आ गया मेरा सी, बहुत आसान. तो दैट मीन्स कोई जरूरत नहीं कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करूं, हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं. तो बिल्कुल सही कह रहे हो सी, सब लोग आंसर दे रहे हैं मुझे सी. आशुतोष ने आंसर दिया है सही, रंजन ने भी आंसर दिया है सही, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने. अगला क्वेश्चन देखें 2020, फटाफट चलते चले जाएं और देखें कितने ज्यादा आसान एरिया हैं, है ना. इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है. 2020 में देखें 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की इक्वलेंट एनर्जी पूछी. हाउ मच इज द इक्वलेंट एनर्जी ऑफ अ 0.5 ग्राम सब्सटेंस, मतलब क्या करें 0.5 ग्राम का अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी इक्वलेंट एनर्जी कितनी होगी, मतलब क्या, मतलब ये 0.5 ग्राम अगर आइंस्टीन के एनर्जी इक्वेशन से एनर्जी में बदल सकूं तो कितनी एनर्जी बनेगी. हेंस जो एनर्जी बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एम कितना है 0.5 ग्राम, अगर अपन एसआई सिस्टम में है तो क्या इसको केजी में रखेंगे, तो 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000
ये तो हो गया के जी में, इंटू सी स्क्वायर, सी कितना है 3×10⁸ का स्क्वायर, सही है, करेक्ट है। तो ये देखो ये कितना हो गया 16, 16 में से 3 पावर चले गई तो 13 बचा, यहां से 9 आया, 9×0.5 इज 4.5, सो दिस वुड बी इक्वल टू 4.5×10⁻³ कितना 13 जूल्स, 4.5×10⁻³ जूल्स, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, राइट आंसर आ गया भी, सिंपल। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल चीज़ है, ऐसा क्या डिफिकल्ट है, इट्स सो ईजी, ये तो बिल्कुल फ्री के लड्डू हैं भाई, ये तो बिल्कुल ही फ्री के लड्डू हैं, है ना, इसमें तो कुछ छोड़ने जैसा है ही नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, खालिद ने लिखा है एमसी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा सर, बिल्कुल सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही लिखा है, आंसर आ जाएगा बी, बिल्कुल सही कह रहे हो खालिद, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, अल्फा पार्टिकल क्या पूछ रहा है, देखो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा है अल्फा पार्टिकल होता क्या है भाई, ये बता दो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल में ऑब्वियसली होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, राइट आंसर बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, बिल्कुल राइट आंसर बी है। अच्छा जी, और देखिए अगला क्वेश्चन, ओरल फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट, इफ इनिशियली देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, कितने समय में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे 450 न्यूक्लियाई, कोशिश करो जरा करने की, इन हाउ मच टाइम 450 न्यूक्लियाई विल बी डिसइंटीग्रेटेड, फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स, है ना, इफ इनिशियली देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन आफ्टर हाउ मच टाइम 450 न्यूक्लियाई विल बी डिसइंटीग्रेटेड, और फॉर्मूला यूज करेंगे अपन ये वाला, एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2^t/t½, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है ना। देखें कुछ आंसर्स आए हैं क्या, खालिद इज सेइंग टू हाफ लाइफ, एम एस सर लेजेंड ऑन होल यूट्यूब, नन कैन मैच, थैंक यू वेरी मच, समवन इज सेइंग थैंक यू वेरी मच सर, वन शॉट ही चल रहा है, खालिद सिंह जीनियस एम्बेसडर, थैंक यू खालिद, थैंक यू वेरी मच, इतने बड़े बड़े शब्द ना बोलो यार। तो भाई 450 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट अगर कर गए, टोटल अगर 600 थे तो बचे कितने, कितने बचे 600 माइनस ऑफ 450, है ना, 600 माइनस ऑफ 450 कितना हो गया, 150 न्यूक्लियस बचे हुए हैं, हेंस 150 न्यूक्लियस, ध्यान रखना है यहां जो एन है वो क्या है, जो अभी भी येट टू डिसइंटीग्रेट है, जो अभी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, हेंस 150 इज इक्वल टू उधर में 600 / 2^t/t½, है ना, करेक्ट है। तो ये सब हो गया और ये 15 फोर्जा कट गया, तो दैट मीन्स कितनी हाफ लाइफ लगी है, 2 हाफ लाइफ लगी है, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2t½, तो टी का जो वैल्यू है दैट शुड बी लाइक 2t½, कितना था 10 मिनट्स, आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 20 मिनट्स, आंसर हो गया हमारा 2 हाफ लाइफ, दैट मीन्स 20 मिनट्स, गेटिंग 2 हाफ लाइफ्स, दैट मीन्स 20 मिनट्स। आ जाइए जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन से ईयर का है, 2016, फटाफट से सॉल्व करके बताओ, 2016, बिल्कुल 2 हाफ लाइफ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रंजन ने भी बोल दिया 20 मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हो। खालिद सिंह मुंह से ही बन जा रहे हैं सर ऐसे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर ढंग से समझ में आ गया तो आधे से ज्यादा पेपर तो ओरल बना लोगे आप। रंजन इज आस्किंग सर आप एनवी सर को जानते हो, मैं बिल्कुल जानता हूं बेटा, कोटा में सभी लोगों को जानते हैं, है ना भी, और हम तो एक ही फेटर्निटी के लोग हैं तो हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। खालिद सिंह 60, जरा देखें क्या पूछ रहा है और क्या है कहानी। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट, द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो मान लेते हैं कि इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे एन नॉट, है ना, 40% जब डीके हो गए तो बचे कितने, 60% बचे, ठीक, तो एन नॉट से 0.6 N0, 60% बचे मतलब 0.6 N0, तो 40% डीके हो गए तो कितने बचे, 0.6 N0 बचे, और फिर कह रहा है 85% डीके हो गए तो बचे कितने, 15% बचे, तो बेसिकली हमें समय निकालना है 0.6 N0 से 0.15 N0, हमें समय निकालना है ये वाला, हमें समय निकालना है 0.6 N0 से 0.15 N0, अपन जानते हैं 15 फोर 60 होता है, तो क्या 2 हाफ लाइफ लगी होंगे, बोलो
या दो हाफ लाइफ, क्या आप देख रहे हैं 0.6 एन नॉट को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 0.15 एन नॉट मिल जाएगा। दैट मीन्स कितनी हाफ लाइफ लगी है, दो हाफ लाइफ लगी है, और हाफ लाइफ कितनी है 30 मिनट, तो आंसर कितना हो गया 60 मिनट। आंसर क्या बैठ गया 60 मिनट्स, तो 60 मिनट ऑब्वियसली इज द राइट आंसर, है ना, 60 मिनट इज द राइट आंसर एंड इट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। रंजन इज सेइंग सर अभी मेरा मॉडर्न बाकी है, तो बेटा मॉडर्न को जल्दी से निपटा लो, मॉडर्न तो कितने मार्क्स देने वाला टॉपिक है ना, तो मॉडर्न को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं अपन, है ना, 60 मिनट्स बिल्कुल। मयंक इज ऑल्सो सेइंग 60 मिनट्स, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखें 2015, अगला प्रश्न देखें 2015 क्या कह रहा है आपसे, क्या कहता है देखो, तो कहता है कि न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस रेस्ट पर था, यूरेनियम का न्यूक्लियस रेस्ट पर था, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस था रेस्ट पर था, और ये डीके कर गया दो लोगों में, थोरियम और हीलियम। तो ये यूरेनियम डीके किया और थोरियम बना और हीलियम बना, ऐसा हुआ, ठीक है भाई। तो आपको बता देना है कि किसका मोमेंटम ज्यादा, किसका मोमेंटम कम एंड वगैरह वगैरह। तो बहुत इजी है, क्या मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था जीरो, ये रेस्ट पर था, तो क्या इन दोनों का भी कंबाइंड मोमेंटम जीरो होगा, हेंस हीलियम पार्टिकल दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल अगर मान लेते हैं राइटवर्ड जाता है तो क्या थोरियम को लेफ्टवर्ड जाना पड़ेगा विद द सेम मोमेंटम, क्यों क्यों विद द सेम मोमेंटम, सो दैट टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम, तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स जीरो, जो पहले था वही रहे, हेंस क्या दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, तो दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, मैग्नेट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट होंगे। अब बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी की, तो चूंकि अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m, तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, किसका मास ज्यादा होगा थोरियम का या हीलियम का, थोरियम का मास ज्यादा होगा, हेंस क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम वुड ऑब्वियसली बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, सिंपल। तो मोमेंटम दोनों के होंगे बराबर और काइनेटिक एनर्जी थोरियम का होगा कम, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हीलियम न्यूक्लियस विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस, बिल्कुल सही कह रहा है ना भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, और बाकी सारे ऑप्शंस अंट शंट बातें कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं, इनके बहकावे में हमें कतई नहीं आना है ना भाई। तो राइट आंसर ऑब्वियसली है सी, जो कि सभी लोगों ने दे दिया है। सही बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन, बिल्कुल खालिद सही कह रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा है, आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी, बिल्कुल आंसर सी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, 2014 में पहुंच गए हम और क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखेंगे अपन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से लास्ट दो क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट मचा दो, धमाल मचा दो और बता दो मुझे, रेडियक्टिव आइसोटोप एक्स विद अ हाफ लाइफ ऑफ दिस, तो ये हाफ लाइफ है, डिकेज टू वाई विच इज स्टेबल, a sample of a rock from a cave was found to contain x and y in the ratio नहीं दिया उसने, वो ratio देना ही भूल गया, तो ये तो अधूरा question हो गया actually, तो हमें इसको skip करना पड़ेगा, यहाँ ratio देना पड़ेगा उसको, तब मैं बता पाऊंगा कि कितने years हो गया होगा, है ना भाई, तो इसको छोड़ दे रहे हैं, question number 10 की तरफ आ जा रहे हैं। Question number 10, binding energy per nucleon for lithium and helium nuclei are this and this respectively in the nuclear reaction, ये nuclear reaction दिया है, then the value of energy released would be, Q value निकालनी है भाई, बहुत अच्छा question है, फटाफट से जरा Q value निकाल के दिखाएं, और जो data दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, binding energy per nucleon का data दिया हुआ है और हमसे Q value पूछी जा रही है, binding energy per nucleon का data दिया है और Q value हमसे question Q value पूछ रहा है, तो 3Li7 plus 1H1 gives you 2He4 plus 2He4, that means दो अल्फा पार्टिकल रिलीज करे और Q वैल्यू रिलीज हुई, तो आपको बता देना है क्या Q वैल्यू होगा, तो क्या Q वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की मदद से लिखूंगा मैं, और मैंने आपको समझाया था बाइंडिंग एनर्जी की मदद से Q वैल्यू लिखनी है, तो इट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा जाएगा। प्रोडक्ट कौन बने हैं, प्रोडक्ट बने हैं दो अल्फा पार्टिकल, और यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, हेंस बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.06 MeV, है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जब मैं लिख रहा हूं तो 7.06, ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इनटू हीलियम में कितने न्यूक्लियन है, अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूक्लियन है 4, तो ये तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी, और चूंकि दो लोग बने हैं तो इनटू 2 और, क्या ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन है, लिथियम, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 5.6 और नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 7,
तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये तो हो गया लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी, प्लस 1H1, ये जो प्रोटॉन है 1H1, इसका क्या बाइंडिंग एनर्जी है, इसका बाइंडिंग एनर्जी जीरो है। क्यों जीरो है, क्यों जीरो है इसका बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये एक फ्री पार्टिकल है और फ्री पार्टिकल की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी बाउंडेड पार्टिकल्स की होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फ्री पार्टिकल्स हैं, इनके पास कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। हैंस क्या क्यू वैल्यू, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगी, है ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके मिल जाएगी। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी। तो जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है डी। खालिद ने आंसर दे दिया है डी, बाकी लोग भी फटाफट फटाफट से इसके राइट आंसर तक पहुँच जाएँ, इसके राइट आंसर तक पहुँचें, है ना भाई। तो जो करेक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके केवल 45 मिनट्स लिए हैं, अभी तो पूरे 45 मिनट्स भी ठीक से नहीं हुए हैं, शुरू में तो थोड़ी बातचीत वगैरह करी थी। इन 45 मिनट्स में मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कर दिए हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी, है ना भाई। और 10 क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए 10 क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाई करके आंसर भी निकाल दिया है। तो क्या ये बहुत आसान एरिया है ना, ये बहुत इजी एरिया है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरी मास्टरी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करके हम इसको पूरी तरीके से पक्का करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम दो क्वेश्चन 100% दिखेंगे, यहाँ से तीन भी दिख सकते हैं पर दो तो पक्का दिखेंगे, एक रेडियो एक्टिविटी पर और एक न्यूक्लियर फिजिक्स पर, दो क्वेश्चन 100% पक्का है जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। दो क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, तो एनालिटिकल एबिलिटीज भी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा कंसेप्ट की भी आवश्यकता नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी इजी एरिया, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, बस मैं आज का सेशन वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू वेरी मच जो लोग मेरे साथ रहे, जिन्होंने पूरा सेशन अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो एनर्जी हमने लगाई है, ये जो मेहनत हमने करी है, इसका बेनिफिट, इसका फायदा आप तक जरूर पहुंचेगा, और वो क्वेश्चंस जो आपसे पहले प्रोबेबली नहीं हो पा रहे थे वो अब इस क्लैरिटी के बाद आपसे होने लगेंगे। ठीक है जी, बहुत जल्दी मिलते हैं इसी प्रकार के वन शॉट के किसी दूसरे सेशन में, जिसमें मैं किसी और दूसरे एरिया को उठाऊंगा और फिर ऐसे ही उसको बहुत कम समय में समझा के फटाफट आपके सामने क्वेश्चंस रख कर पक्का भी कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप वर्किंग, मेहनत करते रहो, फोड़ दो।